आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण। एचएएल पर राहुल गांधी के सवाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब, विपक्ष का हंगामा रहा जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव, एनपी प्रजापति का मुकाबला विजय शाह से। भोपाल में मंत्रालय के सामने बीजेपी का वंदे मातरम, शिवराज बोले परंपरा तोड़ने का होगा विरोध। और पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा का बयान, मीसाबंदियों में गुंडे बदमाश और लुटेरे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से, लेकिन पहले बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा में गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस पद को लेकर घमासान मचा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेता प्रतिपक्ष बनने के इनकार के बाद बीजेपी ने तय किया था कि किसी ब्राह्मण नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद के लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी, लेकिन शिवराज सिंह ने उनका समर्थन नहीं किया। शिवराज सिंह पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। बीजेपी में भीतर भीतर इसे लेकर खींचतान शुरू हुई तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष के लिए गोपाल भार्गव के नाम की घोषणा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भोपाल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र सिंह, डॉ नरोत्तम मिश्रा ने सिंह का स्वागत किया। इसके बाद राजनाथ सिंह, डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा कार्यालय पहुंचे और विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम ऐलान किया। गोपाल भार्गव बीजेपी के उन नेताओं में से एक हैं जिनके पास लंबा संसदीय अनुभव है। भार्गव पिछले 15 सालों से मंत्री थे। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों आरक्षण के मुद्दे पर उसे आलोचना का सामना करना पड़ा था और मध्यप्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर भी इसका काफी असर पड़ा था और तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि अब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण मोदी सरकार से खासा नाराज हैं। माना जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को ही संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। राफेल सौदे को लेकर संसद में शुरू हुई लड़ाई अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तक पहुंच गई है। इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने सदन में राहुल द्वारा उठाए गए सवालों को पूरी तरह से गलत करार दिया है। हालांकि इसके बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कांग्रेस ने सदन में राफेल पर रक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधा था और कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर निर्मला सीतारमण का इस्तीफा भी मांगा था। राहुल गांधी के HEL को 1,00,000 करोड़ रुपए के सरकारी ऑर्डर देने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि वह सदन में अपने बयान के समर्थन में या तो दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें। राहुल के इस बयान पर रक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष मुद्दे को पूरी तरह समझे बगैर ही देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने राहुल को जवाब देते हुए HEL से डील से दस्तावेज भी दिए। संसद का शीतकालीन सत्र राफेल विमान सौदा, 3 तलाक बिल और सबरीमाला जैसे तमाम मुद्दों को लेकर गरमाया हुआ है। राफेल पर कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच HEL का भी बयान सामने आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में वित्तीय संकट जैसी रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद रविवार को संस्था ने सफाई दी। HEL की तरफ से कहा गया है कि 83 हल्के लड़ाकू विमान और 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के ऑर्डर अंतिम चरण में हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर पद के लिए 8 तारीख को मतदान होगा। कांग्रेस ने गोटेगांव के विधायक एनपी प्रजापति को स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं विधानसभा में संख्या बल में दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा ने हरसूद से विधायक विजय शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में लंबे समय बाद पहला अवसर होगा कि जब स्पीकर के लिए मतदान होगा। प्रजापति जहां अनुसूचित जाति से आते हैं, वहीं 6 बार के विधायक विजय शाह आदिवासी समाज से हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अब कल मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद घोषणा की गई कि भाजपा स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ेगी। उन्होंने हरसूद विधायक विजय शाह को उम्मीदवार बनाए जाने की भी घोषणा की। शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के लिए पहले ही गोटेगांव से विधायक एनपी प्रजापति के नाम की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि शाह के उम्मीदवार बनाए जाने से बनी चुनाव की स्थिति के बाद प्रजापति ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में प्रजापति ने नामांकन दाखिल किया। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीसी शर्मा जी, आइए हम बात करते हैं कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लेकर क्या चर्चा। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लेकर बीजेपी वालों ने अपने भी कैंडिडेट उतारे हैं। नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट एनपी प्रजापति जी हैं। पूरा अगर चुनाव होता है तो पूरा संख्या बल 121 हमारे पास है और भी कुछ विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इसको निर्विरोध होने में और यूनेनिमस होने में मदद करेगी। बीएसपी के विधायक जो हैं वो नाराज हैं, बोल रहे हैं कि हमें बोला गया था, आश्वासन दिया था कि मंत्री पद दिया जाएगा, उस पर भी बोल रहे हैं कि अगर मंत्री पद नहीं दिया गया तो फिर हम आगे कड़ी बताएंगे। बीएसपी के नाराज हैं, न सपा के नाराज हैं। कल साथ में मुख्यमंत्री निवास पे डिनर पे थे, ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। 121 विधायक पूरे के पूरे एकजुट कमलनाथ जी के नेतृत्व में हैं और चुनाव हुआ तो 2-4 और भी वोट मिल जाएंगे और प्रजापति जी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो बीजेपी जो है इन चीजों को समझेगी और निरोध होगा उनका चुनाव। पीसी शर्मा जी का कहना है कि 121 विधायक उनके पास है, कल फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में पता ही चल जाएगा, दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसके विधायक, किसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। अभी देखना ये बाकी है कि कल के फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। स्पीकर के चुनाव ना हो अच्छी बात है, लेकिन भाजपा का अंदरूनी मामला, अगर भाजपा चुनाव में स्पीकर खड़ा करती, चुनाव में हमारी पूरी तैयारी है, 121 विधायक हमारे पास में है, भाजपा को उसमें मुंह की खाना पड़ेगी, हारेगी। अगर वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो हमारी पार्टी निर्णय लेगी, उपाध्यक्ष के पास जो उपाध्यक्ष के पद जो परंपरागत तरीके से भाजपा को मिलता था उनको देना नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। माननीय परंपराओं को तोड़ने की घिनौना साजिश कर रही है बीजेपी। सत्ताधारी दल का स्पीकर होता है, ये परंपराएं बरसों से चली आ रही हैं और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है तो अपना स्पीकर में उन्होंने फॉर्म भराया विजय शाह जी का, ऐसी खबर लगी है। लेकिन कल भाजपा को उनकी औकात पता चल जाएगी जब कांग्रेस का स्पीकर चुनाव जीत के स्पीकर की कुर्सी पर बैठेगा। मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। माना जा रहा है कि शपथ का ये सिलसिला 8 जनवरी तक जारी रहेगा और शपथ के बाद विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। 9 जनवरी को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इस सत्र में 5 बैठकें प्रस्तावित हैं। नए विधायक शपथ लेने के बाद खासे खुश नजर आए। नए विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पूजा पाठ और नारियल फोड़कर विधानसभा में प्रवेश किया। ईश्वर का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश की जनता का, जिन्होंने विधानसभा भेजा है और मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि हम अच्छा काम कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। प्रारंभिक तौर पर तो हम अपनी जो विधानसभा है वहाँ के विकास की चिंता करेंगे और उसके अलावा फिर प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले और गरीबी बेरोजगारी दूर हो, सुख समृद्धि शांति हो, इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। आज सदन का पहला दिन है, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री
बनने के बाद विधानसभा में आए सभी सम्मानित सदस्य, सदन के हो चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष को, मैं शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि सकारात्मक रूप से प्रदेश के भविष्य के लिए हम सब मिलकर काम करें। विपक्ष के जो हमारे परिवार के साथी हैं वो अच्छी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाएं और हम जो सत्ता में हमारा दायित्व ज़्यादा है हम भी अपना धर्म सकारात्मकता से परिवार के समृद्धि के साथ निभाएं। अपनी घोषणा के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा विधायकों और नेताओं के साथ मंत्रालय के सामने सामूहिक वंदे मातरम गायन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई इस गायन में भाजपा के अधिकांश विधायक पहुंचे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कोई परंपरा तोड़ेगी तो उसका मजबूती से विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा की सरकार ने हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम गायन की परंपरा शुरू की थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही ये परंपरा टूट गई। कमलनाथ सरकार में वंदे मातरम का गायन नहीं होने पर भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया और इससे कांग्रेस बैकफुट पर आई और कमलनाथ सरकार ने इसे नए स्वरूप के साथ शुरू करने की बात कही। लेकिन इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रालय के सामने उद्यान में सामूहिक वंदे मातरम गाने की घोषणा की। इसी घोषणा के मुताबिक भाजपा के विधायकों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम गायन की परंपरा टूटने पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस को राष्ट्रगीत के शब्द नहीं आते हैं या फिर राष्ट्रगीत के गायन में शर्म आती है तो मुझे बता दें। हर महीने की पहली तारीख को वल्लभ भवन के प्रांगण में जनता के साथ मैं वंदे मातरम गाऊंगा, शिवराज ने ये कहा था। वंदे मातरम गायन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा नेता मार्च करते हुए विधानसभा नहीं जाएंगे क्योंकि सरकार ने वंदे मातरम अलग फॉर्म में शुरू किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोई परंपरा तोड़ेगी तो प्रचंड विरोध किया जाएगा। मीसा बंदियों पर गरमाई मध्य प्रदेश की राजनीति में। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के तलख बयान ने आग में घी का काम किया है। दरअसल उन्होंने मीसा बंदियों की रोकी गई पेंशन पर समर्थन करते हुए यह बयान दे डाला कि मीसा बंदियों में गुंडे, बदमाश, हत्यारे, लुटेरे बंद हुए हैं, उन्हें अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दर्जा देकर पेंशन दी जाएगी तो ऊपर बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आत्मा रोएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 14-15 साल पहले जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे मैं उस समय विधायक था। उस समय विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मीसा बंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देकर पेंशन दी जाएगी। उसी समय मैंने इसका विरोध किया। यह उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर देश को आज़ाद करवाया। इन मीसा बंदियों में कई गुंडे, बदमाश, हत्यारे, लुटेरे बंद हुए हैं। यदि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया तो ऊपर बैठे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा रोएगी। जितनी जल्दी होगा हमारी कांग्रेस सरकार मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर देगी। शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे मैं उस समय विधायक था, हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। शिवराज चौहान ने जब घोषणा की कि मीसा बंदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा देके उन्हें पेंशन दी जाएगी, उसी वक्त खड़ा होकर मैंने अपना भाषण दिया था, उनका भाषण रोक के, कि ये उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इस देश को आज़ादी दिलाई है, अंग्रेजों को भगाया है। इस मीसा में कई गुंडे, बदमाश, हत्यारे, लुटेरे बंद हुए हैं, यदि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा दिया जाएगा तो ऊपर जो बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी आत्मा भी ये सुनकर रोएगी। मैंने उसका विरोध किया, वो भाषण मेरा आज भी छपा हुआ है और उस बात का हम पहले भी विरोध करते थे, आज भी मैं विरोध करता हूँ और जितनी जल्दी हो, हमने ऑर्डर निकाल दिया हमारी कांग्रेस की सरकार ने कि मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी जाए, तो अंजाम तक पहुंच गया। आष्टा पहुंचे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेसियों को संबोधित किया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 18 में उन्होंने एक सीसी रोड का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के बाद स्थानीय मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं सबको याद दिला दूंगा कि अब वापस पुराना जमाना लौट आया है। सनेश्वरी अमावस्या के दिन शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के लिए पानी का इंतजाम न करने का दोषी मानते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन के कलेक्टर मनीष सिंह और कमिश्नर एमबी ओझा को हटा दिया है। शशांक मिश्रा को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। इंदौर शहर को स्वच्छता में 2 बार नंबर 1 बनाने वाले मनीष सिंह को उज्जैन कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है। उन्हें शनेश्वरी अमावस्या के दिन शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के लिए पानी का इंतजाम न करने का दोषी पाया गया है। इसके साथ कमिश्नर एमबी ओझा को भी हटाया गया है।
इनके स्थान पर शशांक मिश्रा को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है और अजीत कुमार को उज्जैन का कमिश्नर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि शनिश्वरी अमावस्या को क्षिप्रा नदी में कीचड़ से भरे पानी में श्रद्धालुओं द्वारा स्नान के मुद्दे पर यह कार्रवाई की गई। शनिश्वरी अमावस्या पर नहाने के लिए नर्मदा का पानी उज्जैन नहीं आने से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की भरपूर किरकिरी हुई थी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जान का दुश्मन बन जाता है। तनाव से कैसे बचा जाए और कैसे तनाव मुक्त रहा जाए, संत नगर में एक्सपर्ट ने इसके तरीके बताए। संत हिरदाराम नगर में इंसान तनाव में किस तरह मुक्त रहे, इसको लेकर कॉन्शियसनेस एक्शन चैतन्य उपलब्धता पर फ्री डेमो और हीलिंग एक्सेस बार पॉइंट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह बताया गया कि पॉइंट ऊर्जा परिवर्तन की एक बहुत आसान विधि है। यह आसान स्तर का प्रशिक्षण है जो हमारे जीवन में ऊर्जा की जानकारी देकर ऊर्जा का सही उपयोग करने के बारे में बताता है। ये एक्सेस कॉन्शियसनेस ग्लोबल बास डे है आज। एक्सेस कॉन्शियसनेस 25 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति गैरी डगलस ने चालू किया था। उन्होंने एक विद्या को ब्रह्मांड से ऊपर से प्राप्त किया, जिसमें जैसे भगवान बुद्ध के सिर पे 32 बिंदु, मतलब उनके सिर पे तो कई 1000 बिंदु दिखाए जाते हैं, पर हमारे सिर पे 32 बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं को अगर टच करके हम चालू कर दें तो बहुत सारे हमारे पिछले कई जन्मों के विचार, स्वभाव, संस्कार, थॉट, फीलिंग, इमोशन पैरों के नीचे से निकल जाते हैं और हम एकदम, हमारा मन हल्का हो जाता है, आत्मा हल्की, और हम वैश्विक चेतना को, यूनिवर्सल एनर्जी को फील करने लगते हैं। तो एक्सेस में हम बोलते हैं चेतना ही सब कुछ है, पूरा संसार चेतना के अंदर है। कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग, एक्सक्लूड्स नथिंग। और उस चेतना का अगर आपने एक बार अनुभव कर लिया, मजा चख लिया, तो आप जीवन की सारी चीज़ें आपको नीरस लगने लगी। मैंने अभी अभी मुझे एक्चुअली वेरी गुड, बहुत लाइट फील हुआ, बहुत पीस फील हुआ है। एंड आई वुड से टू ऑल कि आप लोग भी इसे प्लीज ट्राई करें। इस प्रशिक्षण को देने वाले रेकी मास्टर अजय ज्ञानचंदानी ने बताया कि एक बार पॉइंट सीखने से क्या लाभ हैं, हम अपने शरीर को चलाने के लिए आप ही समर्थ हैं, पर अभी आपको अपनी उस ऊर्जा की जानकारी नहीं है जो कि आपके मानसिक तनाव को दूर कर सके, लेकिन प्रशिक्षण के बाद ऐसा अनुभव होता है कि ये सब बहुत आसान है। गुस्से से पागल हुए हाथी ने 2 लोगों की जान ले ली और 6 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना सरगुजा की है। सूरजपुर के आसपास के इलाकों में जंगल से निकल आए हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। गुस्से से पगलाए एक हाथी ने 2 लोगों की जान ले ली। सुबह एक 30 वर्षीय महिला को रौंद दिया और उसके बाद फिर पगलाए हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर उसे मार दिया। देवनगर में भी हाथी के हमले से भगदड़ मच गई। यहाँ भी हाथी ने 2 बच्चों समेत 6 लोगों को घायल कर दिया। अब इस इलाके के गांव में दहशत का माहौल है और दंतेल हाथी गांव में घुसकर लोगों को परेशान कर रहा है। हाथी के हमले में पिछले 3 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं। बिलासपुर के चांटीडीही स्थित सब्जी बाजार में आज अचानक आग लग गई और फिर देखते ही देखते दर्जनों गुमटियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। चांटीडीही स्थित सब्जी बाजार में सुबह 8 बजे के आसपास अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह कुछ गुमटियों में ही आग की लपटें देखी गईं, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते और उस आग पर काबू पाया जाता तब तक आग आसपास की दर्जनों गुमटियों में फैल गई और उन्हें अपनी जद में ले लिया। इस बीच स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम देरी से पहुंचने के कारण वो आग पर काबू नहीं पा सके और सारी की सारी दुकानें जल गईं। इस आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की याद में M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए शासकीय सम्राट अशोक माध्यमिक शाला में स्कूल ड्रेस के स्वेटर वितरित किए। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। जरूरतमंद बच्चे जो अभाव में जीते हैं मगर पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे ठंड के मौसम में भी रोज स्कूल जा सके, इसके लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की याद में M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के लोगों ने शासकीय शाला में स्कूल ड्रेस के स्वेटर बांटे। सपना शर्मा और रेणु गर्ग ने बताया कि हम जरूरतमंद बच्चों के लिए समय समय पर उनकी जरूरत के सामान का वितरण करते रहते हैं। साथ ही M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन की ओर से हम हर नई प्रतिभाओं को नया मंच मुहैया कराते हैं। आज तो फिलहाल हम स्वेटर बांट रहे हैं, पर ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए हम कुछ कुछ समय समय पर जिस समय जैसी जरूरत होती है वैसा काम करते हैं। इस फाउंडेशन और
एम सी ग्रुप की तरफ से जो हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं उसमें मेन तो है हम लोगों का एक म्यूज़िक ग्रुप है बहुत अच्छा, जिसका भी 4 तारीख का प्रोग्राम भी हुआ था, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो हमारे साथ आगे भी सोशल कामों में और सहयोग प्रदान करेंगे। तो बेसिकली इन दोनों ग्रुप के सौजन्य से जो हमारा मोटिव है वो केवल ये है कि हम जितना हो सके बच्चों के हित में और शिक्षा के हित में बहुत ज़्यादा आगे चलकर हम और ज़्यादा काम कर सकें। जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की फोटो भी हम जल्द शाला में लगाएंगे, जिससे बच्चे जान पाएं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के पूर्व राष्ट्रपति हमारे भोपाल की पहचान है। धर्मेंद्र शर्मा ने भोपाल के नागरिकों को भी बच्चों की मदद करने को कहा। उन्होंने M3 ग्रुप और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन के काम की सराहना की। सभी जानते, सारा देश जानता है, भोपाल में ही जन्मे, भोपाल यही कर्मभूमि रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के महान सपूत हैं, महापुरुष हैं और देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन हुए हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग तो जानते थे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के छोटे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ उनका नाम सुना है, लेकिन उनके बारे में सभी विद्यालयों में बताया जाए, क्योंकि वो छात्र जीवन में कितने लगनशील, कितने अनुभवी जो उनका जीवन था, जो उनका विद्यार्थी जीवन था और जो उनका राजनीतिक जीवन था, उसके बारे में कम से कम है कि भोपाल क्षेत्र के सभी विद्यालयों में उनको बच्चों को बताया जाए। और हम चाहते हैं कि विद्यालयों में डॉक्टर शंकर शर्मा का एक चित्र भी लगे, जिससे यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। M3 ग्रुप के दिनेश गर्ग के लिए यह गर्व का समय था। उन्होंने बताया कि कभी मैं इसी स्कूल में पढ़ा करता था और आज एक मुकाम पाने में कामयाब हो पाया। स्कूल में अब पहले से ज्यादा संसाधन उपलब्ध हैं। मैं कामना करता हूं कि इस स्कूल के बच्चे देश के उच्च पदों पर जाएंगे। तो मैंने एक बार सोचा कि इसको कहीं जरूरत नहीं, मैंने माता मंदिर में स्टेडियम देखी है। आज मैं 35 साल बाद फिर अपने स्कूल में आया हूँ और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, उल्लास हो रहा है। और मुझे भाभी जी हैं, साबा भाभी जी, उनके द्वारा में हमने स्वेटर बांटे हैं शासकीय मास्टर स्कूल में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। चंबल के बागियों के जीवन पर बनी फिल्म सोन चिड़ैया का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और मनोज बाजपेयी चंबल के डकैत के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में भूमि पेडनेकर भी अहम रोल में नजर आईं। सोन चिड़ैया फिल्म चंबल के बीड़ों में जीवन यापन करने वाले बागियों की दास्तान है। इसके 2 मिनट 43 सेकंड के ट्रेलर में चंबल की कहानी को दिखाया गया है। ट्रेलर में जबरदस्त डायलॉग्स का पंच है। ये फिल्म 8 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी चंबल के डकैत के रोल में नजर आ रहे हैं। भूमि पेडनेकर ने भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका अदा की है। सभी डकैतन को सूचित किया जाता है कि पुलिस को घेरो पड़ चुको है और जो घेरो घेरो ना चक्रव्यूह है। निकलेंगे 3 पे 1 2। अभिषेक चौबे निर्देशित फिल्म सोन चिड़िया में एक्शन भरपूर दिखेगा। फिल्म की टैगलाइन है, बेरी बेईमान बागी सावधान। ट्रेलर में आशुतोष राणा और रणवीर शौरी भी शानदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म में रियल लुक देने के लिए चंबल में शूटिंग की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।